हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट हाइड्रेशन। सीमेंट की जो हाइड्रेशन प्रोसेस है उसके लिए कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें हमने ये क्लियर किया था कि सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए टोटल जो है 30% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसमें से जो है हमारा 23% तो जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है उसके लिए, और बाकी का 15% जो जेल पोरस होते हैं उनको फिलअप करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा वो है CSH इन कॉन्क्रीट, मतलब कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट इन कॉन्क्रीट। अब कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट है क्या, अपन ने बोगस कंपाउंड पढ़े थे स्टूडेंट, सीमेंट के बोगस कंपाउंड थे C3S, C2S, C3AN, C4AF। यहाँ पे अपन ने जब C3S और C2S की बात की थी, तो C3S और C2S में मतलब सीमेंट में जब पानी हमने मिलाया था तो दो कंपाउंड नए हमारे सामने जो है बन के आए थे, उनमें से एक था कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट और दूसरा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट था तो वही क्या है यहाँ पे, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट इन कॉन्क्रीट, या फिर कह सकते हैं उसको CSH इन कॉन्क्रीट। अब देखो इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आर द टू की प्रॉपर्टी दैट ओनर्स लुक इन देयर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। कि कोई भी ओनर होगा वो अपने स्ट्रक्चर, अपनी बिल्डिंग कोई भी बनाएगा उसमें क्या चाहेगा कि वो जो है अच्छी तो स्ट्रेंथ दे और जो है ज़्यादा समय तक क्या रहे, ड्यूरेबल रहे। ठीक है, यहाँ पे हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है ये किसकी वजह से आती है, तो वही सेम लिखा है आगे, बट व्हाट मेक्स कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग, कि जो है कॉन्क्रीट को मजबूत कौन बनाता है। ठीक है, या फिर सामर्थ्य किसकी वजह से आती है, एंड हाउ डज इट बिकम ड्यूरेबल, और ये जो है ड्यूरेबल कैसे होता है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस्ड, ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी, स्ट्रॉन्ग या ड्यूरेबल या फिर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोड्यूस्ड थ्रू केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोलिक सीमेंट एंड वाटर हाइड्रेशन। ये जो दो प्रॉपर्टी है, जैसे हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, अपन पढ़ चुके हैं कि हाइड्रेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, जब सीमेंट में पानी हम मिलाते हैं देन वी एड वाटर एंड सीमेंट, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विच इज नॉन एज हाइड्रेशन, एंड हीट लाइबरेटेड ड्यूरिंग दिस केमिकल प्रोसेस या दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर पोर्टलैंड सीमेंट हाइड्रेट्स टू फॉर्म न्यू सॉलिड दैट बिकम द फाउंडेशन ऑफ हार्डेंड सीमेंट पेस्ट इन कॉन्क्रीट। पानी मिलाएंगे सीमेंट में तो पेस्ट बनेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ये जो पेस्ट बनता है, ये जो पेस्ट बनता है इसी में क्या होता है, ये CSH या कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। द CSH इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंटिंग कंपोनेंट ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के लिए ये जो CSH है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स, फॉर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट इंक्लूडिंग सेटिंग हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके जो जमाव काल है या फिर इसकी जो हार्डनेस अपन कह सकते हैं, और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जो सामर्थ्य ये एडॉप्ट करता है, जो सामर्थ्य ये ग्रहण करता है, इन सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है स्टूडेंट्स, CSH या फिर कह सकते हैं CSH जेल इन कॉन्क्रीट। ये बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ेंगे। देखो अपन ने जब सीमेंट स्टार्ट किया था तो अपन ने सीमेंट के दो प्रकारों की बात की थी, कौन कौन से थे वो दो प्रकार, एक हाइड्रोलिक और एक नॉन हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का जो एग्जांपल था वो अपने जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और जो नॉन हाइड्रोलिक था उसका एक ही एग्जांपल था प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है चलो, अब आगे अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। ये जो हाइड्रोलिक सीमेंट है इसके कितने टाइप होते हैं, और मार्केट में हमको कौन सा प्रकार इसका है जो हमको मार्केट में मिलता है या फिर मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे आप लिखिए टाइप्स ऑफ
हाइड्रोलिक सीमेंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट की मैं यहां पे बात करूं स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोलिक सीमेंट जो है तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखने की वो ये है कि आईएएस इंडियन स्टैंडर्ड ने केवल 11 सीमेंटों को क्या किया है, पास किया है, ठीक है। या फिर मैं ये लिख देता हूं पहले, आईएएस पास ओनली 11 सीमेंट। तो पहले की मैं बात करता हूं, इसमें ओपीसी आ जाता है, दूसरा नॉन ओपीसी, और थर्ड जो टाइप है वो है स्पेशल सीमेंट, स्पेशल सीमेंट, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखता हूं ओपीसी की बात करता हूं पहले कि ओपीसी है क्या। तो स्टूडेंट्स ओपीसी की अपन यदि बात करते हैं तो मार्केट में जो ओपीसी है वो तीन, ओपीसी की तीन ग्रेड होती है। अब मार्केट में अपन को 33 बोल के 43 या फिर 43 बोल के 53 ऐसे हमको ये देते। तो देखो जो पढ़ाई अपन शिक्षित है, एजुकेटेड है, तो सारी चीजें उस बैग पे लिखी होती है। 53 हाँ 53 होता है, पर एक्चुअल में वो जो वर्क करती है वो 43 के तरह वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ओपीसी है उसकी कितने ग्रेड होती है, टाइप्स ऑफ ओपीसी, टाइप्स ऑफ ओपीसी या फिर ग्रेड ऑफ ओपीसी, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसकी कितनी ग्रेड होती है। तो इसकी जो है तीन ग्रेड होती है स्टूडेंट, 33 ओपीसी, 33 ग्रेड ओपीसी, 43 ग्रेड एंड ओपीसी 53 ग्रेड, 33 43 एंड 53 ग्रेड। ओपीसी जो सीमेंट होता है उसकी तीन ग्रेड होती है, 33 43 एंड 53। अब इनके कोड की बात करें हम, तो इसका जो कोड है स्टूडेंट्स वो है IS 269। इंडियन स्टैंडर्ड ने एक कोड दिया है IS 269, उस कोड में सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें मिलेगी अपन को, ओबीसी 33 ग्रेड की, ठीक है। ओबीसी 43 की बात करें तो IS इंडियन स्टैंडर्ड ने ये कोड दिया है 8112। इसके अंदर हम ओनली 43 की अपन को जो है जानकारी इसमें मिलती है। थर्ड जो है इसका कोड है 12269। तो कुछ कोड है स्टूडेंट्स, अपन को इनको पढ़ना नहीं है, बस अपन को एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है कि इसका कोड कौन सा है, इसका कोड कौन सा है, तो अपन को थोड़ी जो बातें हैं वो माइंड में होनी चाहिए। ये हो गई इनकी बात। चलो अब मैंने ये लिखा है कि 33 है, 43 है, 53 है, ये है क्या, जो मैंने लिखा है 33 43 53 एक्चुअल में ये है क्या। तो स्टूडेंट्स ये है 28 डेज के बाद, मतलब 28 दिन के बाद। अपन पढ़ते हैं ना कि कंक्रीट जो है इसकी स्ट्रेंथ अपन कितने दिन में चेक कर लेते हैं, 28 डेज में। क्यों, क्योंकि ये इसका जो है टोटल स्ट्रेंथ का 70% अपन को जो है 28 डेज में मिल जाता है। 90% स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है वो एक साल में एडॉप्ट कर पाता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं द नंबर ऑफ 33 43 एंड 53, आपको ये लिखना पहले ये फिर वो देन ये, 53 करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ 33 करेस्टिटिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ characteristics compressive
स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, अब इसका पता कैसे चलेगा, एज ऑब्टेंड फ्रॉम, एज ऑब्टेंड फ्रॉम स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन सीमेंट, स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन सीमेंट, अब सीमेंट पे तो पहले पे टेस्ट करेंगे नहीं, उसके साथ कुछ तो मिलाएंगे ना, तो स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन सीमेंट सैंड मोर्टार स्पेसिमेन, सीमेंट सैंड एंड मोर्टार स्पेसिमेन, तो सीमेंट और सैंड का एक मोर्टार अपन प्रिपेयर करते हैं, उसके क्यूब बनाते हैं, ठीक है, क्यूब बना करके अपन जो है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, और जो स्ट्रेंथ आती है 28 डेज के बाद वो स्ट्रेंथ है ये 33, 43 एंड 53। क्लियर है स्टूडेंट? नॉन ओपीसी की बात करें तो नॉन ओपीसी में हाई एल्बिना, मैग्नीशियम फास्फोरस सीमेंट, तो ये सारा अपन जब टाइप्स पढ़ेंगे ना सीमेंट के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो आईएसए पास किए 11 सीमेंट, ठीक है, तो अपन इन सबके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि इनका जो अपन ने बोगस कंपाउंड पढ़ा था, कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कि इनका जो सीक्वेंस होता है, किसका सीक्वेंस, हीट का ले लो, जो हीट जनरेट होती है ना हाइड्रेशन हीट, या फिर हीट के साथ साथ अपन बात करें और कंपेयर कैसे कर सकते हैं इन तीनों को आपस में, बताओ, हाइड्रेशन के हिसाब से इनको मार्किंग कर सकते हैं, या फिर डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में घटते या बढ़े बढ़ते हुए क्रम में पढ़े इनको यहाँ पे स्पेसिफाई या क्लासिफाई यहाँ पे कर सकते हैं अपन। तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ लेता है, तो पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो पहला है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ऑफ बोगस कंपाउंड, कि जो बोगस कंपाउंड होते हैं इनकी स्ट्रेंथ का जो क्राइटेरिया होता है, इनकी स्ट्रेंथ का जो क्राइटेरिया होता है उसका क्रम क्या है, अब कैसे भी पूछ सकता है वो, डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। डिसेंडिंग का होता है अपन बचपन में पढ़ते हैं ना अवरोही क्रम, वो डिसेंडिंग होता है, असेंडिंग आरोही क्रम। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ऑफ बोगस कंपाउंड, नोट लगा के ये चीजें आप लिख सकते हो। पहला स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ऑफ बोगस कंपाउंड, देखो स्टूडेंट्स बोगस कंपाउंड का जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है उसका सीक्वेंस क्या होता है, तो कोई सा एक लिख देता हूं या फिर दोनों ही लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। यदि पहले मैं यहां पे बात करता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर की, पहले मैं बात करता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर की, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर की मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे ज्यादा जिसकी होगी वो पहले आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ देता है अर्ली स्ट्रेंथ वो कौन देता है, C3S, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं अभी, उसके बाद C2S, ये लगभग बराबर देता है, लेकिन ये कब देता है ये बाद में, मतलब लगभग साल भर लग जाता है इसको स्ट्रेंथ देने, ठीक है। नेक्स्ट C3A एंड लास्ट C4AF, ठीक है, ये स्ट्रेंथ ध्यान रखना, ये बात किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। असेंडिंग ऑर्डर की हम बात करें, असेंडिंग ऑर्डर की तो इनको चेंज कर दो, वापस पीछे से लिख दो, वही बात है C4AF, ठीक है, सबसे कम फिर C3A, C2S और सबसे ज्यादा जो है हमारा वही C3S, तब कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। सेकेंड किसके अकॉर्डिंग, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्राइटेरिया,
rate of hydration criteria. अब देखो हाइड्रेशन जो है सबसे पहले किसके होता है, सबसे पहले किसका होता है या फिर सबसे ज्यादा किसका होता है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला वही डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की मैं बात करूं तो स्टूडेंट जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो सबसे ज्यादा होती है C4AF. तो सॉरी डिसेंडिंग की बात करें ना, हाँ सबसे ज्यादा किसकी होगी C4AF की, उसके बाद C3A, then C3S and last C2S. किसके अकॉर्डिंग है? रेट ऑफ हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग. असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं इसका. असेंडिंग ऑर्डर इनको वापस वही पीछे से वापस लिख दो, तो देन C2S, C3S, C3A एंड लास्ट C4A. ए प्रॉब्लम, ठीक है. एंड लास्ट है हीट जनरेशन, सबसे ज्यादा जो हीट है वो कौन जनरेट करता है, ये सबसे ज्यादा जो हीट है वो किससे जनरेट होती है. तो दो पॉइंट हो गए इसमें, थर्ड पॉइंट लिखना है. थर्ड जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है अपना हीट जनरेशन. हीट जनरेशन और हीट जनरेशन और हीट जनरेशन और इवेल्यूशन क्राइटेरिया. हीट जनरेशन और इवेल्यूशन क्राइटेरिया, हीट जनरेशन और इवेल्यूशन क्राइटेरिया. हीट जनरेशन और इवेल्यूशन क्राइटेरिया. तो देखो इसमें अपन वही पहले डिसेंडिंग की बात कर लेते हैं. फर्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट्स. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा हीट है वो कौन जनरेट करता है, अपन पढ़ चुके हैं. जो सबसे पहले अर्ली स्ट्रेंथ देगा, मतलब प्रारंभिक जो सामर्थ्य है वो जो देगा वही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वो हीट जनरेट करेगा. C3A अपन ने पढ़ा था ना फ्लैश सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो C3A. इसी की वजह से तो तुरंत जमता है सीमेंट. इसको रोकने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन उसमें क्या मिलाते हैं, जिप्सम. पूरी तरह से नहीं कर पाते लेकिन कुछ समय के लिए, हाँ जो होता है ना 30 मिनट, इसी की वजह से आता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का. C3A, देन C3S, C3A, C3S, नेक्स्ट C4AF एंड C2S. ये मैंने आपको लिखाया भी हुआ है हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसके अकॉर्डिंग है ये सीक्वेंस. सेकंड असेंडिंग ऑर्डर की यदि हम बात करें, असेंडिंग ऑर्डर की, तो वही है, वापस इसको उल्टा कर दो. C3S, then C3A. Okay, student. तो ये कुछ ध्यान में रखने वाली बातें, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पुट अप हो जाते हैं. तो ये अपन ने इनका सिलेबस पढ़ लिया, किसका, बोगस कंपाउंड का. टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जो सीमेंट के टाइप पढ़ लिए, ठीक है. अब अपन पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट. टेस्टिंग ऑफ सीमेंट वो हम इनके जो है अगली क्लास में चर्चा करेंगे.
आज अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, सी एस एच इन कॉन्क्रीट। सी एस एच क्या होता है, जब जो बोगस कंपाउंड है C3S और C2S सीमेंट में जैसे ही हम पानी मिलाते हैं तो दो नए कंपाउंड हमारे सामने मतलब जो है बन के आते हैं, उनमें से पहला है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट और दूसरा जो है वो है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्क्रीट है इसका जो पीएच है 13 उसको मेंटेन करता है। अब काम क्या होता है इसका, जो रेनफोर्समेंट अपन प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स किसमें, कॉन्क्रीट में, उसको उससे बचाता है कोरोजन से। ठीक है, ये हो गया। अब सी एस एस की बात, तो जो भी अपन बिल्डिंग बनाते हैं, जो भी बनवाता है उसके मन में ये एक ही मतलब वो यही चाहता है कि जो भी स्ट्रक्चर वो बनवा रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो और उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। तो हमारे माइंड में जो क्वेश्चन है, ये सवाल है, ये आता है कि जो जो कॉन्क्रीट है, जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, ठीक है, और जो ड्यूरेबल होता है कॉन्क्रीट या स्ट्रक्चर ये किसकी वजह से होता है, कैसे होता है। तो जैसे ही पानी मिलाते हैं ये जो है प्रोडक्ट सी एस एस बन के आता है। तो सी एस एस में क्या होता है, जो सी एस एच है ये रेस्पॉन्सिबल है, किसके रेस्पॉन्सिबल है, सेटिंग के, स्ट्रेंथ के, हार्डनिंग के, ठीक है, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, सी एस एच। ये हो गया सी एस एस। सी एस एच के बाद अपन ने पढ़ा था कि सीमेंट में जो बोगस कंपाउंड है उनका सीक्वेंस क्या है, मतलब अलग अलग वे में यदि पूछा जाए स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग यदि देखा जाए, या हीट जो उसमें जनरेट होती है उसके रिगार्डिंग देखा जाए, या फिर रेट ऑफ हाइड्रेशन के रिगार्डिंग देखा जाए, कि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये अपन को थोड़ा माइंड में रखने वाली बात है। जैसे अभी स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग ये पूछता है, तो स्ट्रेंथ में अपन ने पढ़ लिए थे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो रेट ऑफ हाइड्रेशन में अपन पढ़ चुके हैं, हीट जनरेशन, देखो हीट जनरेशन का आप यदि आपने पढ़ा है क्लास ली है तो आपने देखा होगा मैंने जितने भी बोगस कंपाउंड्स हैं उनके लास्ट में सबकी हीट ऑफ जनरेशन मतलब जो भी जनरेट होती है ना वो लिखवाया है मैंने, तो वहाँ से भी आप थोड़ा इनको मैच कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।